बाबू, तो गाइस मैं जा रही हूँ बाबू को नहलाने। बाबू हमारी खेल रही है, इधर देख के पति देव भी कंघी कर रहे हैं, तबीयत नहीं सही इनका। हम भी चले आपके साथ, ब्लड टेस्ट कराना है और थोड़ा अपने आप को भी दिखा लेंगे, क्या मतलब क्या दिक्कत है क्या नहीं। आपकी बॉडी भी गर्म है। आपको तो पता है हमारा रिपोर्ट आ गया है और इसमें डेंगू पॉजिटिव है। ब्लड टेस्ट अभी ठीक है, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। हाँ नहीं है, हम जानते हैं उधर और मैं अभी जा रहा हूँ कि वो डॉक्टर ने बोला है कि आपको 3 दिन डेली आना पड़ेगा। एक CBC करके रिपोर्ट होता है, उसमें प्लेटलेट्स वगैरह काउंट होते हैं, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। और डॉक्टर ने भी मुझे लगा कि मैं कल जाऊंगा तो एडमिट कर लेंगे, बट उन्होंने एडमिट नहीं किया। नहीं किया अच्छा है, क्योंकि एडमिट कर लेते फिर हम कैसे क्या अकेले करते हैं। उन्होंने लेकिन बोला बात नहीं, अगर कंडीशन अगर खराब होता ज़्यादा तो भाई होना ही पड़ता। नहीं, बोले अभी कि नॉर्मल है, अभी दवाई करोगे अच्छे से केयर करोगे तो नॉर्मल ठीक नहीं हो है, जाओगे। मतलब ठीक है, डेंगू तो है। डेंगू तो पता है है लेकिन स्टार्टिंग है ना कल अभी। कल ठीक है, लेकिन आज जो स्थिति है ना बहुत खराब। आज इतना बॉडी पेन हो रहा है ना, हाँ इतना जकड़ रहा है, इतना अकड़ रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। समझ रहे हैं हम। नहीं तो आप जाओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो हम भी चले गए। हम इनको छोड़ के ना बिल्कुल भी मेरा जाने का, इनको जाने देने का मन नहीं कर रहा है कि ये अकेले जाएं। अरे और जाना है, बस आना है, खून खुलवाना है, अरे फिर हमें ये डर लग रहा है कहीं आपको चक्कर वक्कर ना आ जाए, गिर उड़ ना जाओ। नहीं इतना चक्कर नहीं आएगा। इसीलिए गाइस हम, पता है मेरा कोई काम नहीं है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी साथ में बच्चा को लेके जा रहे हैं, थर्ड फ्लोर चढ़ रहे हैं, बार उतर बार रहे हैं। स्कूल जाएंगे, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना, दिक्कत होती है। हाँ लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है ना कि अकेले हम जाने दें आपको, ये दिक्कत है। बाबू तो है, अभी थोड़ा मैं आप देखना लोग पड़ता को है। आता हूँ, फिर रिपोर्ट में दिखाता हूँ क्या क्या है। चलो हम भी चलते हैं ना। अरे आप मत जाओ, घर पे रहो, क्या जाना फिर आना। तो क्या हुआ? अरे दवा खाए ना, हल्का हल्का तुम पसीना हो रहा है। तो चलो मैं आता हूँ, एकदम फिर ठीक आते है। हैं, मिलता हूँ। तो गाइस यही सब, इसी में सारा रिपोर्ट है। सावन नीलू एंजल, हिम्मत तो नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन मैं खुद इतना हिम्मत अपने ऊपर बांधा हूँ, जब मैं बीमार हो के होता है ना, एक थोड़ा सा अंदर से अंतरात्मा बोलता है कि अपने आप को मजबूत बनाओ, बस वही हाल है, मैं अपने आप को मजबूत बना रखा हूँ, ताकि कोमल को भी ना लगे कि हाँ इतने ज़्यादा बीमार हैं, अकेले आ रहे हैं। तो चलिए क्या जी, अरे नहीं बस आ रहा हूँ, क्या करोगे आप, जाके जाना है, बस आना ही है। तो इसमें सारा रिपोर्ट है मेरा, इसी में सब कुछ है, आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। पैसे वही बच्चे का ध्यान ले लिए मैंने, बाबू का ध्यान देना ठीक है। हाँ पैसे हैं मेरे पास, तो चलते हैं गाइस, आके जाते हैं। बाबू क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ पे आ गए हॉस्पिटल में और फिर से ब्लड निकालेंगे, और जिससे पता चलेगा कि प्लेटलेट्स डाउन है या बढ़ा है, घटा है, जो भी है, तो केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रिपोर्ट शाम को आएगा ना भाई? तो रिपोर्ट शाम को आएगा, फिर शाम को फिर आऊँगा, डॉक्टर को दिखाऊँगा, तो जैसा होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं पर्ची उर्ची कटा के आया हूँ, हम भी अपना फील कर रहे हैं, फाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस पतिदेव आ गए हैं हॉस्पिटल से, इधर आज देखिए। ब्लड निकालना था ना, बहुत तेज ना पता चल रहा था, आज भी ब्लड निकाले ना। तो वो बोला कि अब कमजोरी हुआ है ना, इसलिए आपको पता चल रहा है। अब उसने जब कल निकाला था 2 यूनिट तो पता नहीं चला था, आज 1 यूनिट निकाला तो बहुत ज़्यादा दर्द वर्द लगाते हुए भी और निकालते हुए भी। सोचो निकालना इतना कमजोर बोला हो जब रहा जब है। आपको बुखार चढ़ेगा, आपका प्लेटलेट डाउन होगा, तो लिक्विड वगैरह लेते रहिएगा। हाँ नहीं ठीक तो है, नारियल नारियल पानी लाए, पानी लेके आया है, नहीं लाते ना तो हम पता है कंट्री डिलाइट से मंगा देते देखो हैं, आज फिर निकला अभी ना। लगाया है। और बोला टीवी भी अभी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, सही करोगे। सीढ़ी चढ़ने आज तक कमजोरी इतना है ना कि सीढ़ी चढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है, हमको जल्दी ठीक होना है,
सबको देखना है, तो बाबू आपको भी देखना है पापा को। चलो अब ज्यादा बोलो मत, ये पानी पी लो, हम आपको खिचड़ी बनाया दे देते हैं, खा लो ठीक है। अरे कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रहा है। अरे तो खाओगे नहीं तो दवाई कैसे खाओगे? और रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट दिखा दो। रिपोर्ट में पूरा डेंगू पॉजिटिव हो गया है पूरा। हाँ मतलब देखो ये तो ये मान लो सही है हमारा, क्या न्यूट्रोफिल और लंफोट इसमें देखो मार्क किए हैं 40-80, ये भी ज्यादा है। ऊपर बाबू नहीं गिर जाओगी, ऊपर वाला तो ज्यादा है। हाँ। और बाकी ये प्लेटलेट काउंट है, कल का है, ये कल का है। आज वाला शाम को आएगा तो फिर शाम को फिर जाएंगे। प्लेटलेट 255,000 है, जबकि 150 से 410 के बीच में रहना चाहिए। नहीं बेटा, और ये इसमें कुछ नहीं देखा गया, और ये रहा मेन रिपोर्ट, पॉजिटिव रेट। अगर देखो 9 से 11 बीच में रहेगा तो इक्वल रहता है, निगेटिव रहता है। 9 से कम रहता है ना तो निगेटिव रहता है, और 11 से चलो अब आप बोलो मत, हम समझ गए और हमारे फैमिली भी समझ गई, हम आपको दे रहे हैं, खा के दवाई खाओ ठीक है, और लिक्विड लेते रहो, पानी ज़्यादा पीते रहो। हम आपके लिए पतला खिचड़ी बना देते हैं ठीक है। अरे कुछ नहीं खाएंगे, बस हम जा रहे दवा करके सोएंगे। चलो आराम करो, हम खिचड़ी लेके आ रहे हैं। राइस लाइन में पानी लाया था मैं पीने के लिए, अच्छा नहीं कर रहा है पीने का। मैं सोच रहा हूँ बाबू मेरे से दूर है तभी ठीक है, होता है ना बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन मेरे ही पास आती है भाग के भूख के। फोन देखो रखा हुआ है ना, खींच रही है। बाबू पापा को क्या हो गया? क्या हो गया पापा को? पापा को क्या हो गया? तो गाइस मैं जल्दी बीमार नहीं होता था, और मैं जब बीमार होता हूँ ना पता है मुझे क्यों डेंगू ही होता है। मतलब ये मुझे चौथा या पांचवी बार डेंगू हुआ है, चार बार तो मुझे दिल्ली में हुआ है, गांव में नहीं हुआ है। वैसे जब मुझे डेंगू होता था तो मैं घर चला जाता था, वहीं पे इलाज कराता था, 4-5 दिन में सही हो जाता था। या वहाँ क्या गांव में क्या इलाज करते थे ना, डेली मतलब सुबह शाम इंजेक्शन लगाते थे, वो भी नस में। अब यहाँ पर दवा दिए हैं, पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं आराम होता है नहीं होता, उसके बाद देखते हैं क्या करना है मेरे को। गाइस यहाँ पे देखिए बंदा भी आई थी खाना वाना लेके आज मेरे लिए, और जा भी रहे हैं आधा घंटा से। अच्छी है, अरे लग जाएगा ऋषभ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है, अब क्या सोई थी, अभी सो के उठी है। शाम का टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ पतिदेव को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि आपने देखा था कि पतिदेव दोपहर में गए थे, खुद से गए थे और अपना ब्लड वगैरह दे के आए हैं। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है, पहले से बेटर है या पहले से और हालत ख़राब है, यही सब देखना है। और टेंशन हो रहा है कि देखो क्या होता है क्या नहीं, ये मुझे नहीं ले जा रहे लेकिन मैं ज़बरदस्ती इनके साथ जा रही हूँ कि नहीं मुझे भी जाना है, क्या पता रास्ते में भगवान ना करे चक्कर वगैरह आ गया हो, गश्ती आ जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। और हॉस्पिटल जाने के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसा डॉक्टर बोलेंगे। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि लिक्विड सामान खाना पीना, तो उस चीज़ का भी मुझे टेंशन है कि मैं इनको क्या खिलाऊँ क्या पिलाऊँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप लोग भी दुआ करिए कि जल्द से जल्द पतिदेव ठीक हो जाए, बस और क्या बोलूँ मैं। तो गाइस चलिए इसी बीच वीडियो को करते हैं समाप्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो में इसलिए मिलते हैं क्योंकि पतिदेव का तबीयत सही हो जाएगा तो अच्छा ही वीडियो आएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।